And for all your filmy updates, please subscribe to Dot Entertainment. So, कैसी लगी आपको movie मलंग? Nice, it was nice. Story कितने पसंद आई आपको? Story भी अच्छी थी. अगर दिशा पाटनी और अनिल कपूर की वो chemistry के बारे में बात करें तो? अच्छा लगा, काफी मस्त. Songs कितने पसंद आए? Songs को okay. Songs not like that. सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया इस movie में? अनिल कपूर की acting. Okay. He's the best. Out of 5 star कितने? 4.5. मूवी वाज ग्रेट. आपको मोहित सूरी का डायरेक्शन पता रहेगा, मतलब मैं एक्सपेक्ट करके गया था अच्छी रहेगी और मूवी खरी उतरी. स्टोरी में कितनी दूर? स्टोरी डिफरेंट लव स्टोरी है, मतलब मैच्योर लव स्टोरी है तो डिफरेंट है. और मोहित सूरी के फिल्म में मर्डर्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, मर्डर टू एक विलन तो वैसे ही टाइप की. okay, और थ्रिलर थ्रिलर अच्छा था, लास्ट का सस्पेंस अच्छा था. okay. या बहुत भारी, मतलब बहुत ज़बरदस्त केमिस्ट्री लगी. और एक्टिंग तो आदित्य रॉय कपूर ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है. अनिल कपूर कैसा है? अनिल कपूर ने फनी एक्टिंग की और बहुत बढ़िया एक्टिंग की अनिल कपूर ने. ओके, व्हाट अ फाइव स्टार कितने दोगे? 4 स्टार. थैंक यू. सो हाउ वाज द मूवी? इट वाज ऑसम, रियली ऑसम. एंड व्हाट यू वांट टू नो अबाउट दैट? व्हिच पार्ट यू लाइक द मोस्ट? व्हिच पार्ट? I can't tell you anything, like full movie was awesome, literally. And सबके परफॉर्मेंस के बारे में? The suspense. Okay. I like the suspense. अनिल कपूर की परफॉर्मेंस कितनी पसंद आई? सबसे ज़्यादा अनिल कपूर की, सबसे ज़्यादा उनकी और दिशा पटानी. She was damn hot. दिशा पटानी और आदित्य रॉय कपूर की केमिस्ट्री? It was good. It was good. Awesome. Songs कितने पसंद आए? मलंग सॉन्ग द फेवरेट. ओके, और फाइव स्टार? सॉरी, आउट ऑफ 5 स्टार्स? 4.5. हाँ. सो हाउ वाज द मूवी मलंग? अच्छी है मूवी, स्टोरी कुछ अलग है, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, यंगस्टर्स को भी देखना चाहिए. जैसे उसके अंदर का एक जो मोटिवेशन आता है, एक अलग साइड पॉजिटिव वे भी उसका देखना चाहिए. और एक्टिंग सबका बहुत अच्छा था, अनिल कपूर ने फिर से बहुत अच्छी वापसी की है. दिशा पटानी और आदित्य रॉय कपूर की केमिस्ट्री कितनी पसंद आई? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी. सॉन्ग्स कितने पसंद आए इस मूवी के? सॉन्ग्स यू कैन से कि अच्छा है, जैसे यंगस्टर्स के लिए. और अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है तो यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा बेटर है. बेस्ट पार्ट क्या लगा इस मूवी का? मुझे तो बेस्ट पार्ट वही लगा जब लोग उनका जब लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है वो, दैट्स मुझे बेस्ट पार्ट लगा कि उन लोग को अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस समझी है. भले ही बच्चे कितने भी बिगड़ जाओ पर एक स्टेज ऐसे आता है उनके लाइफ में कि दे चेंज एवरीथिंग. बहुत बेकार, मतलब मोहित सूरी से इतनी उम्मीद नहीं थी, इतनी घटिया पिक्चर बनाएंगे. आशिकी के बाद लगा था आशिकी 2 इन्होंने बनाया होगा, रोमांस होगा, प्यार होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ड्रग्स और बिना मतलब की फाइट और क्लाइमेक्स ही बकवास. इस रोमांस कियारा अडवानी हीरोइन का नाम उसके हीरोइन का दिशा पटानी. हाँ, दिशा पटानी इतनी खूबसूरत हीरोइन है, लड़का बहुत अच्छा है, तो ताकि अच्छा रोमांस होगा, लोकेशन गोवा है, कुछ अच्छा मैसेज होगा, लेकिन कुछ नहीं. वो बस उनको खुद मालूम नहीं कि कौन सी अंग्रेजी पिक्चर देख ली थी उन्होंने जो उसको सड़ा गला रूप बना दिया. अनिल कपूर की एक्टिंग? अनिल कपूर से अच्छा बेस्ट किया है. स्टोरी में दम लगी? बिल्कुल नहीं, स्टोरी है ही नहीं. सॉन्ग्स पसंद आए? हाँ, सॉन्ग ठीक है, पर फिल्माएँ वैसे नहीं है, कोरियोग्राफी बहुत ही घटिया है. -5. थैंक यू. आई लव्ड इट. मतलब मोहित सूरी का जो भी डायरेक्शन होता है वो हमेशा ही अच्छा होता है, एंड दिस टाइम इट्स बेटर देन बिफोर. व्हिच पार्ट डू यू लाइक द मोस्ट? दिशा पटनी कमिंग आउट ऑफ द ब्लू. आई डिडंट थिंक दैट शी माइट शो अप, बट या शी वाज अलाइव एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट. स्टोरी में कितनी दम थी? दम तो है यार, स्टोरी बहुत अच्छी है मोहित सूरी की, हमेशा से डायरेक्शन हमेशा अच्छी रही है, उनकी स्टोरी लाइनअप भी बहुत अच्छी होती है. सो करेंटली द फर्स्ट लुक फॉर दिस मूवी इज थम्स अप, इट्स अ नाइस मूवी. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट अनिल कपूर? कुणाल केमू वर द यू नो ऑर्नामेंट्स ऑफ द मूवी. अगर उनका वो डार्क साइड, वो क्रेजी साइड नहीं होता तो ये मूवी शायद इतना नहीं चलती. और क्या इस मूवी का बेस्ट पार्ट? आदित्य रॉय कपूर एक्टिंग, आई लव्ड इट. मतलब उनकी जो हमेशा जो एक्टिंग होती है उससे हटके थोड़ा बोल्ड, थोड़ा स्ट्रॉन्ग, आई लव्ड इट. जो आप इस फिल्म से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको? या इट हैज फुलफिल्ड माय एक्सपेक्टेशंस. ये फिल्म ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देगी? ऑडियंस को ये मैसेज देगी कि यू नो लव एंड अफेक्शन क्या नेसेसरी होता है लाइफ में. जो उनका एक क्यूट साइड था, दोनों ने एक दूसरे के लिए किया है, दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड अप्रिशिएट. मलंग का टाइटल ट्रैक एंड हमरा वर द बेस्ट सॉन्ग्स. बहुत ही बेहतरीन मूवी है. आई थिंक मोहित सूरी हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, और एक बार फिर से वो एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर मूवी लेके आए हैं.
मूवी में सभी इंग्रेडिएंट्स एक ब्लॉकबस्टर के, बीट, रोमांस, एक्शन, ड्रामा, बहुत ही थ्रिलिंग सीन्स हैं और बहुत ही वियर्ड और एक्सेंट्रिक कैरेक्टर्स हैं. मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिनको आप यू नो समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कुणाल खेमू का बहुत ही साइकोटिक कैरेक्टर है, आदित्य रॉय कपूर का बहुत ही एक्सेंट्रिक कैरेक्टर है, और फिर वो ग्रे शेड्स उनके देखने को मिलेंगे और उनके पीछे एक पास्ट है. सो हाउ दे गो बैक इन द पास्ट और क्यों वो ऐसे बिहेव करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे. All the emotional scenes, chemistry between Aditya Roy Chopra, Aditya Roy Kapoor and Disha Patani is just, you know, gorgeous. And all the emotional scenes, romantic scenes and of course thrilling scenes, you know. जैसे जैसे mystery unravel होती जाएगी आपको end तक लगेगा कि wow, I mean, जैसे मोहित चूरी का जो trademark है कि last में कुछ ना कुछ वो लेके आते हैं ऐसा. And what about songs? Music is a very big plus point. एक तो मलंग गाना जो टाइटल सॉन्ग है बहुत अच्छा है, और एक चल घर चले एंड मेनी अदर सॉन्ग्स. सो म्यूज़िक इज़ आल्सो वेरी बिग प्लस पॉइंट. तो वो मोहित सूरी की मूवीज़ में म्यूज़िक अच्छा होता है, सस्पेंस होता है और कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है. सो लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स. मूवी यार काफ़ी अमेजिंग है और मैडनेस की कहानी है, पूरी तरह से एक मैडनेस है. और इस जनरेशन के हिसाब से मीन्स आपने जितने भी मोहित सूरी की मूवीज़ देखी होंगी उसमें अलग अलग हिस्से में दिखाया गया प्यार का मीनिंग, लेकिन इस बार प्यार का मीनिंग बहुत ही अलग तरह से डिफाइन किया गया. और आजकल जैसे 2020 में चल रहा है ड्रग्स एंड ऑल, प्लीज यार इसमें जो भी चीजें दिखाई गई उसको फॉलो मत करना. मूवी ध्यान से देख रहे हो ठीक है, लेकिन साइड में दिए हुए जो वहाँ पे वार्निंग है उसको बार बार प्लीज देख लेना, कहीं ऐसा ना हो आशिकी 2 देख करके सब प्यार में पड़ गए थे, इसको देख करके ड्रग्स में पड़ जाए. सो इट्स अमेजिंग मैसेज टू ऑल ऑफ यू, और देखना चाहिए मूवी और देख करके काफी मजा आएगा. अनिल कपूर, कुणाल खेमू, दिशा पटानी एंड आदित्य राय कपूर, चारों के लिए एक एक लाइन था वहाँ पे ट्रेलर में कि मारना मेरा मज़ा है, मारना मेरी आदत है, मारना मेरा सुकून है. तो उसमें जाकर के आपको पता करना पड़ेगा कि ये लाइंस क्यों हैं, और ये आपको बिल्कुल फॉल्स नहीं लगेगा कि ये लाइन बस ट्रेलर को मतलब हाई लेवल का एक टच देने के लिए डाला हो. ये एकदम मीनिंगफुल है. पूरी मूवी को यार देखना ज़रूरी है. आप स्टार्टिंग में हो सकता है कि बोलोगे स्लो है, स्लो बोलना मत क्योंकि मोहित सूरी की मूवी को देखने आ रहे हो. वो एक रिलेशन को बहुत अच्छे से क्रिएट करते हैं, आपके दिल में बैठाते हैं एंड देन ही विल गिव यू अ अटैक कि यार ये क्या हो गया. तो वो चीज़ स्लो नहीं कहते, इसको कहते हैं कि आप स्क्रीन में सही तरह से एक कैरेक्टर को दिखा रहे हो. ओके, आप जो एक्सपेक्ट करके आए थे इस मूवी से वो आपको सेटिस्फाइड कर पाए? 100 out of 100. मोहित सूरी का मैं आवारापन से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ. उनकी जितनी मूवी देखी है, घर पे बैठ के देखो, थिएटर में बैठ करके देखो, इट्स अमेजिंग. आप देख करके बोलोगे प्यार ऐसा होता है, यहाँ पे भी आप बोलोगे 2020 का प्यार कैसा होता है यार, बस आओ जाओ हो जाता है. लेकिन नहीं, द सेकेंड हाफ ये आपको बता देती है कि प्यार आज भी वही था, यही है और चेंज कभी नहीं होने वाला. लेकिन हाँ, प्यार को अपना एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है एंड दैट कॉल्ड मैडनेस. सो दैट्स द मीनिंग दैट अनलीश द मैडनेस. आपको इस मूवी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद? इस मूवी में सबसे ज़्यादा पसंद आया इस मूवी की स्टोरी. आजकल जितनी भी मूवीज़ आ रही है आप स्टोरी का अता पता नहीं रहता है, इसमें स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंगेजिंग है. देखने के बाद अगर बोलोगे यार बकवास है तो प्लीज़ यार मत कहना, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट है. अगर आपने बीच में मूवी अगर देख करके बोल दिया कि अभी मैं बता दूंगा क्या है, नहीं बता सकते, क्योंकि लास्ट सेकेंड ऑफ द मूवी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और बहुत ही थ्रिलर टाइप मूवी, आपको देख करके समझ में आ जाएगा यार मैं जो एक्सपेक्ट स्टार्टिंग से कर रहा था वो एंड में जाके क्लियर हुआ. सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं और ख़ास करके मलंग का टाइटल ट्रैक, और मलंग से रिलेटेड ही एक और भी गाना डाला गया है जो कि क्लाइमेक्स और बीच में यूज़ किया गया है. वो बहुत ही ज़्यादा सीन के साथ में अटैच दिखता है. आप देखोगे जो सीन देख रहे हो और जो गाने का लिरिक्स आ रहा है और जो आवाज़ है सिंगर की एकदम परफेक्ट लगी उस जगह पे. चल घर चले देखने के लिए आपको मतलब वेट करना पड़ेगा स्टार्ट से, बस बीच बीच में हल्का सा म्यूज़िक आता है, इतना सुकून लगता ना उस म्यूज़िक में देख करके, लगता कब प्ले होगा. पर जब प्ले होता है आप बोलोगे यार पैसा वसूल हो गया है. क्लाइमेक्स में भी उस लाइन को यूज़ किया गया, वो भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया है. So, how was the movie Malang? Superb, Malang. Madness. Which part do you like the most? First half and second half, both. And what about Disha Patani and Aditya Roy? Aditya Roy Kapoor, superb. फाड़ दिया. After Kalang, come back किया, body वॉडी बना के मज़ा आ गया उसको देख के. उसको देख के मतलब उसकी एक्टिंग क्या रोल क्या है यार, सच में सीरियस बहुत मज़ा आया उसको देख के. अनिल कपूर तो बाप है. हाँ, अनिल कपूर और कुणाल खेमू को कंपेयर मत करो यार, अनिल कपूर जीत जाएगा. उनकी परफॉर्मेंस कितनी पसंद आई? अनिल कपूर की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है और कुणाल खेमू का भी अच्छा है, लेकिन उनके रोल के बारे में हम लोग जस्टिफाई नहीं करेंगे, रिवील नहीं करेंगे, पब्लिक जाके देखेगी तो मज़ा आएगा.
హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ సుధీర్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు డాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ గడప్ శ్రీను. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ డాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ యూట్యూబ్ ఛానల్. హాయ్, నేను మీ జబర్దస్త్ రామప్రసాద్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ డాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్. అండ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ ఫిల్మీ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు డాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఫర్ ఫిల్మీ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు డాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్. హాయ్, దిస్ ఇస్ నభానటేష్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు డాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్.